वो तो दाई से पूछा, दाई अम्मा क्या हुआ? कह रहे बेटा सब्र करो, अभी तफ्तीश हो रही है। और फिर भी दाई अम्मा बताओ तो सही, हुआ क्या है? और बेटा समझ नहीं आ रही, बस लकीर सी नजर आ रही। इसके मामू बड़े समझदार थे, कहने लगे ठहर जो बेटा मैं खुद बताता हूँ। उन्होंने गौर से देखा, कहने लगे हर जो पीछे, बेटा ये बच्चा नहीं है, ये क्यामत की निशानी है। अच्छा तुम्हारे घर वाला तो शाहरुख पैदा किया है ना? अच्छा दो महीने और नहीं होता चर्च बन जाता तू। मैं तो कह रहा दो का श्रेगा ऐसा जाहिल आदमी ट्रेन में मेरे साथ जा रहा है, ट्रेन में, चलती ट्रेन में, डब्बे से मुंह निकाल के पिछले डब्बे वालों से कह रहा हमसे आगे निकल के दिखाओ। और इसकी सुन ले आप, परसों जहाज में मेरे साथ आ रहा था, एयर होस्टेस ने खाना ला के रखा, खाना खा के परेड लेके उसके पीछे चला गया, ए बाजी जरा ग्रेवी तो दे दो। मैं तो मासूमियत में कह गया, इतना बड़ा जाहिल है कॉकपिट में चला गया, पायलट से कह रहा इधर रश होगा पिछली गली से ले लो। ये भी बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी, इसकी शादी हुई, सुहागरात वाले दिन बीवी के पास चला गया, बीवी कहने लगी सरताज कुंडी लगा दो, खुद बाहर से लगा के चला गया। ये तो मासूमियत है ना, ऐसा जाहिल है, थर्मास लेके आया, मैंने कहा इसमें क्या है? कह रहा थर्मास, मतलब इसमें क्या होता है? बोले ठंडी चीज ठंडी रहती है, गर्म चीज गर्म रहती है। मैंने कहा इस वक्त क्या है? कह रहा दो चाय दो कुल्फी। ये इतना पागल आदमी है, फिल्म देखने चला गया धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र का एक डायलॉग था, कहने लगा आज मैंने सारे बगैरत मार देने हैं, उठ के खड़ा हो गया, भाई मेरा क्या कसूर है? और क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। ये बता तू जहाँ इंटरव्यू देने गया था नौकरी के लिए, क्या बना? इंटरव्यू देने, भाई देखो इंटरव्यू भी एक नौकरी है। बिल्कुल, आजकल दुनिया में इंटरव्यू देना भी एक नौकरी है। सही बात, अमेरिका हो पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, नौकरी मिली नहीं थी। मैं इंटरव्यू, मुझे जवाब देना नहीं आता था। अच्छा, मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ एक आदमी पहले से बैठा था, मैंने कहा तुम जो जवाब देना मुझे आके बता देना। वो कह रहे हैं ठीक है। वो साहब अंदर गए, उससे सवाल जवाब शुरू हो गया, उससे पूछा बताओ पाकिस्तान कब बना? उसने कहा जब तो चाहे जा रही थी 14 अगस्त को वजूद में आया। उन्हें कहा गुड, ये बताओ सिंध का गवर्नर कौन है? बोले उसे तो कई आए गए लेकिन आज सोमरो साहब है। उन्हें कहा गुड, ये बताओ सियासतदान चांद मकान बनाना चाहते हैं कामयाब हो जाएंगे? बोले साइंसदान बैठे बात पक्की नहीं हुई। वो जवाब दे के